एसटीएफ को कुछ समय पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा UK SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में तांडी करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था और उस पर आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा दो लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है जो कि पटना का रहने वाला है और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने के क्राइम में इनको जेल भेजा गया था और दोनों समय पर बेल पर बाहर थे। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी नया हमारा नकल विरोधी कानून है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मेरी सभी से अपील रहेगी किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है जिसमें कि अगर किसी के भी द्वारा नकल करने का या करने का प्रयास किया जा रहा है तो तुरंत इसको एसटीएफ को सूचना दें। हम लोगों के द्वारा इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। देखिए एसटीएफ को कुछ समय पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा UK SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में तांडी करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था और उस पर आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा दो लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है जो कि पटना का रहने वाला है और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने के क्राइम में इनको जेल भेजा गया था और दोनों समय पर बेल पर बाहर थे। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी नया हमारा नकल विरोधी कानून है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मेरी सभी से अपील रहेगी किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है जिसमें कि अगर किसी के भी द्वारा नकल करने का या करने का प्रयास किया जा रहा है तो तुरंत इसको एसटीएफ को सूचना दें। हम लोगों के द्वारा इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। देखिए एसटीएफ को कुछ समय पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा UK SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में तांडी करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था और उस पर आगे कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा दो लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है जो कि पटना का रहने वाला है और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने के क्राइम में इनको जेल भेजा गया था और दोनों समय पर बेल पर बाहर थे। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी नया हमारा नकल विरोधी कानून है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मेरी सभी से अपील रहेगी किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है जिसमें कि अगर किसी के भी द्वारा नकल करने का या करने का प्रयास किया जा रहा है तो तुरंत इसको एसटीएफ को सूचना दें। हम लोगों के द्वारा इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।